देखो ध्यान दो, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है मीन वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना मीन मतलब एवरेज, तो जैसे हमने एवरेज निकालने के बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, मीन निकालने के बहुत से फार्मूले हमने पढ़े होंगे 9th 10th में, जैसे आपने पढ़ा होगा कई सारे नंबर हैं x1 x2 x3 x4, उनका मीन निकालना है तो x1 + x2 + x3 + x4/4 कर दो, उनका मीन आ जाता। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मीन निकालने के तरीके होते हैं ये डिस्क्रीट, जैसे कि मान लो एक आइटम आपके पास 1 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 8 है, इनका मीन निकालना है। देखो डिस्क्रीट आइटम है, जैसे 1-3 के बीच में बहुत से आइटम नहीं लिए, है ना, जैसे 1.1 1.2 बहुत से आइटम नहीं लिए, क्योंकि 1-3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर को छोड़ दिया, तो ये डिस्क्रीट आइटम है, इनका अगर मीन निकालना होता है तो इन चारों को सम कर लिया और अपॉन 4 से डिवाइड कर दिया, जैसे हमने फार्मूले पढ़े थे। तो ये डिस्क्रीट आइटम है, एक्चुअली गैप ले लेकर के आइटम है, इनके बीच में गैप है, 1 और 3 के बीच में गैप है, फिर 4 और 8 के बीच में गैप है। हमें अब यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन का मीन निकालना, मतलब जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है fx = x2 और हमें x की वैल्यू दी गई है फॉर एग्जाम्पल -1 से लेकर 4, इसके बीच में हमें इसका मीन निकालना। देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मीन आप ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर x -1 से 4 तक है, अब ये इनफाइनाइट x है, -1 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो आप इनफाइनाइट से डिवाइड तो करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, काउंटेबल होते हैं, आप काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यूज तो इनफाइनाइट है, तो अब आप इसका मीन इस मेथड से नहीं निकाल सकते। तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनका मीन आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो देखो उनके मीन को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि मीन ऑफ एफ एक्स ऑन इंटरवल ए टू बी, मान लो इंटरवल ए टू बी में हमें एफ एक्स का मीन निकालना है और एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो देखो ये मीन का फार्मूला होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और अपॉन बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो इंटरवल का गैप है उस गैप से डिवाइड करेंगे, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए। देखो ये इसका मीन निकालने का फार्मूला, कंटिन्यूअस फंक्शन के मीन निकालने का देखो ये फार्मूला है। अब जैसे कि मान लो हमें ये फंक्शन दिया गया, हमें इस फंक्शन का मीन चाहिए, तो देखो इसका मीन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल -1 to 4 x² dx, और देखो इनका डिफरेंस तो 4 - -1 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो क्या हो गया, ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बोलो x³/3 -1 से 4, और देखो ये हो गया 5। अब देखो 1/3 बाहर लिया, x की जगह पर अपर लिमिट तो 4³ और लोअर लिमिट -1³, ये 1/5 है, ठीक है, x की जगह सॉरी ये 1/3 बाहर आया और डिवाइड बाई 5, ये वाला 5 देखो नीचे आ गया, ठीक है, ध्यान दो। तो देखो ये क्या हुआ, ये 1/15 हो गया, है ना, ये 5 और 3, 4³ कितना हो गया 64 और -1³ -1 + 1 तो +1 हो गया, तो देखो ये 65/15 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। तो मीन निकालने का मतलब है कि फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो और नीचे जो उसका गैप है उस गैप से डिवाइड कर दो, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन के मीन को निकालने का मेथड होता है। लेकिन इंटरवल मालूम होना चाहिए कि किस इंटरवल में मीन चाहिए, जब तक इंटरवल नहीं मालूम होगा मीन नहीं निकाल सकते, है ना। इसी प्रकार से देखो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और होता है जिसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू, इसकी फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक्चुअली क्या होता है, जब हम फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं एसी, तो वहां पर ये टर्म बहुत काम आता है आरएमएस वैल्यू, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जो आई होता है ना इलेक्ट्रिक करंट और ई मतलब ईएमएफ, वो कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, तो वहां पर इसलिए हम उसकी आरएमएस वैल्यू लेते हैं हमेशा,
जो अल्टरनेटिव करंट में जो इफेक्टिव वैल्यू मानी जाती है वो हमेशा उसकी आरएमएस वैल्यू मानी जाती है। तो इस फार्मूले का मैथ्स की तुलना में बहुत ज्यादा यूज फिजिक्स में है, ध्यान देना। तो देखो ये क्या कहता है, आरएमएस वैल्यू देखो क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब स्क्वायर का मीन निकालो उसका रूट लो। जैसा कि मान लो आपने एक फंक्शन ले लिया fx, ध्यान देना यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो कंटिन्यूअस फंक्शन का ही करते हैं। और मान लो ये इंटरवल दिया गया है ab, हमें इस इंटरवल में इसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो देखो जो हमारा आरएमएस वैल्यू का फार्मूला होता है ना, वो देखो होता है कि पहले हम स्क्वायर करें, फंक्शन का स्क्वायर कर दें, ठीक। स्क्वायर करने के बाद इसका मीन निकालें, तो इंटीग्रल a टू b dx और अपॉन b माइनस a, और इसका भी अंडर रूट ले लें, है ना। पहले स्क्वायर करें, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन निकालें और उसका अंडर रूट। देखो क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो फंक्शन का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उसका हमने क्या किया, देखो मीन निकाला, मीन का मतलब यही फार्मूला, स्क्वायर का मीन निकाला उसका अंडर रूट लिया, इसे हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये फार्मूला भी हमारे बहुत काम आता है, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से।